सुबह की शुरुआत कड़क चाय से हो जाए तो दिन ही बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल हर कोई चाय का दीवाना है, और चाय भी ऐसी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और मज़ा ना आए तो फिर हम दोबारा से बनाकर इंजॉय करते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर है। तो चाय बनाने का आज मैं एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि आपको दोबारा बनाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चाय आपकी एकदम परफेक्ट, टेस्टी और कड़क बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, उस हिसाब से मेजरमेंट आपको बताऊँगी। आप ज़्यादा बना रहे हो तो चीज़ों को डबल कर लें। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप पानी। तो नॉर्मल कप से जो हम चाय पीते हैं उसी कप से मैंने मेजर किया है। पानी को ऐड करेंगे, और पानी में बॉईल आने के बाद ही दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अदरक। तो मैंने 1/2 इंच का अदरक ले लिया है, और इसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो पहले छील के इसे धो लेना है, और साथ ही साथ 2 छोटी इलायची ले लिया है। तो इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसे हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। तो अखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसका सारा रस इसी में रह जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो एकदम अच्छी तरीके से इसको मैंने कूट लिया है, ताकि इसका सारा अर्क पानी में आ जाए। तो ये हो गया 1 चम्मच अदरक और 2 छोटी इलायची। इसे मिक्स करके 2 मिनट हमें उबाल आने देना है। तो देखिए, सारा अर्क हमको पानी में मिल गया है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध आप नॉर्मल ले सकते हैं, कच्चा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ 1.5 कप दूध लिया है। दूध ऐड करने के बाद इसमें बॉईल आने देना है। तो जैसे इसमें बॉईल आएगा, इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि जो अदरक का और इलायची का फ्लेवर है वो भी दूध में आ जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए, दूध में बॉईल आ चुका है, दूध भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। और अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद चीनी मेल्ट होती है, तो थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है हमारा दूध। तो उसे ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अब बारी है इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालने की। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती की क्वालिटी हम इस तरह से जान सकते हैं कि जब ये कलर धीरे धीरे छोड़े तो हमारी चाय की पत्ती अच्छी है, और जब ये एकदम से कलर छोड़ने लगे तो चाय की पत्ती अच्छी नहीं है। तो ये देखिए कितना धीरे धीरे कलर छोड़ रही है। तो इसको डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इस तरह से पकाना है। रोड पे जो स्टॉल लगाते हैं चाय की, वो भी इसी तरह से पकाते हैं, और इस तरह से चाय का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें एक अच्छा सा कड़क बना जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन कलर आ जाता है। तो देख सकते हैं हमारे चाय में बहुत ही अच्छी सी कलर आ गई है, और ये अच्छे से पक चुकी है। तो हम यहाँ पर गैस को कर देते हैं ऑफ, और इसे कर लेते हैं सर्व। तो इसका कलर देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना कड़क और कितना टेस्टी बना होगा। तो जब आप इस तरह से बनाकर पिएंगे तो 1 कप में ही आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपका दिन बन जाएगा। तो इसी तरह से चाय ज़रूर से बनाइए, और आपकी चाय कैसी बनी है कमेंट करना ना भूलिए। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।